हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनिस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन विथ ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज के हमारे वीडियो में आज का हमारा ट्रिक है डॉक्टर स्नेहा। तो चलिए डॉक्टर स्नेहा को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर सबसे पहले हमें लिखना है डॉक्टर स्नेहा, जिसमें स्नेहा को अपन ऑपोजिट साइड से लिखेंगे। तो फिर चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर हमारे फर्स्ट लेटर डी से हो गया ड्रायोपिथेकस और आर से हो गया रामापिथेकस, जिसका जिक्र एनसीईआरटी में ठीक से हुआ ना हो। नेक्स्ट लेटर ए से होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके क्रैनियम बॉक्स का आयतन था 500 cc। ये पहला आदि मानव है जो अपने दो पैरों में खड़ा हुआ, वो भी सीधा। इसने पहली बार पत्थर को शिकार करने के लिए हथियार के रूप में यूज किया। अब नेक्स्ट लेटर से आता है होमो हैबिलिस। इसके क्रैनियम बॉक्स का आयतन था 650 cc to 800 cc। इसने सबसे पहले पत्थरों से हथियार बनाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सिर्फ पत्थरों को हथियार के रूप में यूज किया था, लेकिन होमो हैबिलिस ने पत्थरों के हथियार बनाए। ठीक है, नेक्स्ट लेटर ई से होता है इरेक्टस, होमो इरेक्टस। ठीक है, और इसके क्रैनियम बॉक्स का आयतन था 900 cc। इसने सबसे पहले अग्नि फायर का आविष्कार किया। नेक्स्ट लेटर एन से होता है नियंडरथल मैन। इसके क्रैनियम बॉक्स का आयतन था 1400 cc, जिसको भगवान शंकर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये वही पहला मानव था जिसने अपने शरीर को ढकने के लिए सबसे पहले कपड़ा पहना, वो भी एनिमल स्किन का। नियंडरथल आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज है और इसने ही मरे हुए रेड बॉडी को दफनाने की प्रथा शुरू की। और अब सबसे आखिरी लेटर एस से आता है सेपियन सेपियन, मतलब वही होमो सेपियन। इसे मॉडर्न मैन भी कहते हैं। इसके क्रैनियम बॉक्स का आयतन है 1450 cc और इसी मॉडर्न मैन का अभी 3 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे आज के वीडियो का कंप्लीट ट्रिक। इसके अदरवाइज पिकिंग मैन और क्रोमैग्नन भी है, तो पिकिंग मैन को आप लोग स्पीकिंग मैन बोल के याद कर लेना, क्योंकि पिकिंग मैन में ही सबसे पहले स्पीच विकसित हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्रोमैग्नन है उसके क्रैनियम बॉक्स का आयतन था 1600 cc, जो कि मॉडर्न मैन से कहीं ज़्यादा था, इसलिए अपन उसको ह्यूमन इवोल्यूशन में उसको ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोमैग्नन ने ही कृषि और कलर पेंटिंग स्टार्ट किया था, तो इसको आप लोग ऐसे याद कर लेना, क्रोमैग्नन कलर, क्रो कलर, क्रो कृषि, क्रोमैग्नन के क्रो से कलर भी हो गया और कृषि भी हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे मैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय।